हेलो फ्रेंड्स, नाइस टू मीट यू। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न नोटपैड शॉर्टकट की। हम आज के इस सेशन में नोटपैड की सारी शॉर्टकट की के बारे में देखने वाले हैं। अगर आप नोटपैड में कोई भी काम कर रहे हैं और उसमें शॉर्टकट की यूज करने वाले हैं तो आप उस टेक्स्ट इमेज को सेलेक्ट कर लें, उसके बाद ही शॉर्टकट की का यूज करेंगे, क्योंकि बिना सेलेक्ट किए हुए नोटपैड में कोई भी शॉर्टकट की का यूज नहीं होता है। नोटपैड के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम फाइल के शॉर्टकट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम एडिट के शॉर्टकट के बारे में पढ़ेंगे, एंड फिर हम अपनी फाइल को जूम कैसे कर सकते हैं उसके शॉर्टकट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन की हेल्प से हम ओपन न्यू नोटपैड पेज, इससे आपके सामने एक नोटपैड का पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो आपका पुराना वाला पेज होगा वो कंप्लीट क्लोज होगा, देन एक नया पेज ओपन होगा। देन अब हम बात करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एन की। कंट्रोल शिफ्ट एन के अंदर आप एक नई विंडो ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट एन, यहाँ पर एक नई विंडो ओपन हो गई और यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। देन क्लोज करता हूँ। अगर आपको किसी भी फाइल को ओपन करना है देन आप कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे, इससे आप किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। देन अब हम बात करते हैं कंट्रोल एस की। कंट्रोल एस प्रेस करके आप किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं। देन कंट्रोल शिफ्ट एस, इसकी हेल्प से आप किसी भी फाइल को सेव एज कर सकते हैं। आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ पर आप अपनी फाइल का नाम एंड एक्सटेंशन सेलेक्ट करके अपनी फाइल को सेव एज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिंट के लिए। कंट्रोल पी करना होगा आपको प्रिंट के लिए। जैसे ही आप कंट्रोल पी प्रेस करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन आएगा, वहां पर आप फैक्स के माध्यम से ये प्रिंट भेजना चाहते हो, प्रिंटर से निकालना चाहते हो, यहाँ सारे ऑप्शन आ जाएंगे आपके सामने। देन यहाँ पर आप पेज की रेंज भी दे सकते हैं एंड यहाँ पर आप नंबर ऑफ कॉपीज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, एक से ज्यादा कॉपीज देनी है आपको। तो यहाँ पर आप यहाँ पे अप्लाई करके आप प्रिंट भी कर सकते हैं। देन मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। अब हम फाइल को एडिट के शॉर्टकट के बारे में पढ़ते हैं। हम फाइल को कितने टाइप से एडिट कर सकते हैं। देन यहाँ पर सबसे पहला शॉर्टकट है कंट्रोल जेड। अंडू के लिए भी काम करता है और ये रिडू के लिए भी काम करता है। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, देन मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ अभी, देन कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ, ये उतना चला गया। देन मैं वापस कंट्रोल जेड करूंगा, ये वापस आ गया है। तो ये अंडू और रिडू दोनों का काम करता है। देन बात करते हैं कंट्रोल एक्स की। कंट्रोल एक्स का काम होता है किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे वो कट हो जाएगा। देन हम बात करते हैं कंट्रोल सी की। किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप उसे कॉपी कर सकते हैं एंड पेस्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया एंड कंट्रोल वी करके आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। डिलीट की, किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं। नोटपैड में ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी शॉर्टकट का यूज करना है तो आपको सेलेक्ट करना ही होगा उस टेक्स्ट को, उस पैराग्राफ को, उस फॉन्ट को, उस इमेज को। आप उनको सेलेक्ट करके ही उनके ऊपर आप कुछ एडिट या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं कंट्रोल ई की। कंट्रोल ई का प्रेस करके आप सर्च विद बिंग, बिंग के साथ आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से। आप क्रोम ब्राउजर पर जाकर, इंटरनेट एक्सप्लोरर पर भी जाकर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंट्रोल एफ की। कंट्रोल एफ का यूज होता है फाइंड के लिए। देन मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ प्लीज, देन फाइंड नेक्स्ट, तो यहाँ पर आ गया है प्लीज। देन मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर देता हूँ। देन अगर आपको फाइंड नेक्स्ट करना है देन आपको F3 प्रेस करना है एंड प्लीज ओके। तो ये हमारे को बता देगा कि इस वर्ड का कोई और नहीं है, तो ऐसा डायलॉग बॉक्स आने वाला है। देन शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करेंगे आप, ये वापस बता देगा कि यहाँ पर कोई भी ऐसा पेज नहीं है। तो अगर आपको प्रीवियस फाइंड करना है कुछ तो उसके लिए आपको शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करना होगा। अब हम बात करते हैं कंट्रोल एच की। कंट्रोल एच का यूज होता है रिप्लेस के लिए। आप इसके अंदर कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि मैं कंट्रोल एच की जगह प्लीज की जगह सब्सक्राइब कर रहा हूँ यहाँ पर, देन रिप्लेस ऑल, देन यहाँ पर आ गए हैं सब्सक्राइब प्लीज की जगह, कुछ इस टाइप से। देन अब हम बात करते हैं कंट्रोल जी की। कंट्रोल जी होता है गो टू के लिए। देन कंट्रोल ए का यूज होता है सेलेक्ट ऑल के लिए। कंट्रोल ए प्रेस करके आप सभी को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं F5 की। F5 का यूज होता है टाइम एंड डेट के लिए। देन मैं यहाँ पर आकर कर्सर को F5 प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे करंट डेट एंड टाइम आ गई है। देन अब हम बात करते हैं जूम शॉर्टकट की। आप कंट्रोल प्लस प्रेस करेंगे देन जूम इन होगा, देन कंट्रोल प्लस माइनस करेंगे जूम आउट होगा, देन कंट्रोल प्लस जीरो कर देंगे डिफॉल्ट हो जाएगा। तो ये सारे नोटपैड के शॉर्टकट थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, हमने वो सभी कवर कर लिए हैं। इससे हमारे नोटपैड में काम करने की स्पीड बढ़ेगी और हम किसी भी काम को जल्दी से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड यू हैव एनी डाउट देन कमेंट सेक्शन इज हियर, डू राइट नाउ योर कमेंट, देन हैव अ ग्रेट डे।